को निरंतर निगरानी रखी जाए आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो चिकित्सालय रेलवे का चिकित्सालय है ललित नारायण मिश्र जी के नाम से जो रेलवे का चिकित्सालय और एम्स है वहाँ पर एल का चिकित्सालय अवश्य बनाया जाए और प्रथम चरण में एम्स में पचास बेड और द्वितीय चरण में भी पचास बेड के जो है कोरोना मरीजों के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया का भी दौरा किया है और बलिया के दौरे के बाद आ, वो जो है वाराणसी का भी दौरा अब कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदय ने कल जो है कानपुर का और झांसी का दौरा किया है और आज अभी उन्होंने सुबह मिर्ज़ापुर का दौरा करके अब प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं यानी माननीय मुख्यमंत्री जी एक और गोरखपुर बलिया वाराणसी का दौरा करके आएंगे दूसरी ओर प्रदेश में मुख्य सचिव साहब जो है कानपुर और झांसी का कल दौरा करके आज मिर्ज़ापुर और प्रयागराज का भी दौरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहाँ भी कोविड का कार्य जो है हो रहा है वहाँ जनपदों का दौरा करके वो स्वयं भी देखेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से भी दौरा सुनिश्चित कराएंगे जिससे कि कोविड की इस लड़ाई में पूरी मजबूती से कार्य किया जा सके हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में अब जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके अंतर्गत कुल देश में जहां 14.49 करोड़ डाउनलोड हुए हैं वहां प्रदेश में अब लगभग 2.47 करोड़ डाउनलोड हुआ है जो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है दूसरी ओर जहां सूक्ष्म लघु मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों का सवाल है तो अब सात लाख पचानवे हज़ार नौ सौ ग्यारह इकाइयाँ संचालित हैं और लगभग 49,000, 49, नाइन थाउजेंड फोर्टी नाइन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड उनचास